कैसे पाकिस्तान वालों, दूसरे दिन का खेल खत्म होता लेकिन भैया तुम्हारा तो अभी से पांव फिसला हुआ है। ससुरी वालों नहीं संभलने देंगे, 355 रन का लीड है लेकिन तुम भूतनी का ऐसे खेलता, इतना स्लो यार। पिंट ब्रदर, ये ऐसे कैसे तेज खेल लेते यार, इनके बस की बात नहीं है। ये तो भैया टुक टुक करके थोड़े से रन बना गए, अगर ये तेज खेलते ना तो हमारे गेंदबाजों ने भैया 50 से नीचे नीचे इनको लुड़का देना था, खिसका देना था, सही किया इन्होंने। अबे मिचल के बच्चे, भूतनी के बस कर, हमारी मर्जी भूतनी के। तुमको किसने बोला तेज खेलो भैया, टेस्ट क्रिकेट हमसे खेलना सीखो। अभी तो भैया 150 गेंदों पर हमने 38 बना लिए, कल हम पूरी 500 गेंदे खेलेंगे, पूरा दिन रन बनाएंगे 20। अबे बस करता है माम का बच्चा, भूतनी वालों फिर भी 132 पे दो लुड़क गए हो, देख लेना कल भैया तीसरे दिन ना भैया फॉलोअप कर देंगे आपका। ये 355 रन ना दूसरी पारी भी खेलोगे फिर भी नहीं लीड उतार पाओगे। मिचेल स्टार्क ब्रदर, हम भी यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि तुम भैया दोनों पारियों में पाकिस्तान वालों को खिसका डालोगे। अब भैया दूसरी पारी में हमसे बल्लेबाजी नहीं होती क्योंकि पहली पारी में इतने रन बना के दिए हैं। अबे बस्कर वार्नर के बच्चे, आना ही पड़ेगा भैया, सीट के लेके आएंगे तेरे को, दूसरी पारी में बल्लेबाजी नहीं करेगा। अबे भूतनी के, तू करेगा बल्लेबाजी फिर, तू छोटा सा टारगेट दे पाएगा देख लेना, हम पहली पारी में 600 ठोकेंगे, हम आउट ही नहीं होंगे। अबे बस करता ही इमाम का बच्चा, जैसे तुम भैया स्लो गति के साथ रन बनाता भूतनी वाला, ऐसा पूरा जिंदगी भी खेलता रहेगा ना तो हमारे जितना स्कोर नहीं बना पाएगा। वैसे तुम जितना मर्जी टुक टुक कर लो, कल को हमारे गेंदबाज किसका डालेंगे आपको पता। अबे बस करो ऑस्ट्रेलिया वालों, फोकर में टेंट नहीं करो, मेरी गेंदबाजी देखी, 6 विकेट तुम्हारी उड़ाई, वो तो भैया तुम्हारी किस्मत अच्छी थी साली, कि भैया मेरी गेंदबाजी देर से चली, पहले चल जाती ना तुम्हारी टीम से 100 नहीं बनने थे। अब दूसरी पारी में बताऊंगा। अमर जमाल, तुम्हारा गेंदबाजी किस काम का, हमने तो 487 रन ठोक दिया, अब तुम्हारे बल्लेबाजों से तो कुछ हो नहीं रहा। ये तुम्हारा शान का बच्चा थोड़ा सा तेज खेलने का कोशिश किया, कैसे हमारे गेंदबाजों ने लुड़का डाला ना हम। अबे बस करो ससुरी वालों, ऑस्ट्रेलिया वालों, अभी हम पीछे बैठे हैं भैया, आज हम आए नहीं, आखिर में विकेट गिर गया, हमने अपनी जगह नाइट वॉचमैन को भेज दिया, तो कल देखना भैया हम कैसे ठोकते हैं। मां भैया तो भी जलवा दिखाना। बाबर भैया टेंशन नहीं लो, कल भैया मार मार के ना इनको भैया छट्टी का दूध याद लाएंगे, वो खुरम शजार जो मेरे साथ खड़ा है ना, हम दोनों कल मिलके ना इनकी ऐसी पिटाई करेंगे, ये याद करेंगे ये क्या हो। अबे बस करता पाकिस्तान वाला, तुम्हारे बस का बात नहीं है, तुम केवल लंबी लंबी छोड़ सकता है। शान मकसूद, तू तो टीम का कप्तान है, भूतनी के कैसे चुप करके बैठा है, कुछ तो बोल, लेकिन तेरी तो बोल की बंद मैंने कर दी, तेरे को आउट करके अब क्या बोल। अबे बस कर मिचल के बच्चे, ज्यादा हवा में नहीं उड़, वो तो मेरा गलती से भैया कैच हो गया, मैं थोड़ा तेज खेल रहा था, लेकिन कल देखना बाबर और इमाम भैया आपको कैसे ठोकते हैं, भैया जीतने तुमको भी नहीं देंगे, ड्रॉ कर देंगे। शान भैया तू टेंशन नहीं ले, मैं तेज खेलूंगा, आज भी बहुत तेज खेला हूं, कल तो भैया मैं इतना तेज खेलूंगा देख लेना, आज तो 7-8 गेंदों पे एक रन बना रहा था ना, कल भैया 15-20 गेंदों पर एक रन बनाऊंगा और जीत के दिखाएंगे। वो एनक वाला बाबा, बस करता ससुर का नाती, ऐसे तुम जीत नहीं पाता लेकिन तुम्हारा कोशिश होता ड्रा करने का। अबे 15-20 गेंदे छोड़ के 30 गेंदों पर भी एक रन बनाओगे ना, फिर भी हमारे गेंदबाज किसका डालेंगे, नहीं रुकने देंगे। अबे बस्कर वार्नर के बच्चे, मेरा जलवा गेंदबाजी में तो देख चुके हो ना, अब भैया मेरी बल्लेबाजी में जलवा मेरा देखना, 300-400 रन ठोकूंगा और भैया मैच तुमसे खिसका के अपनी टीम को जितवाऊंगा, क्योंकि मैं हूँ अमर जमाल। अबे बस करता जमाल का बच्चा, अंतिम में जाके तूने विकेट ली, वो भी हमारी गेंदबाजों की, वो भी इसलिए क्योंकि हमको पता था कि भैया हमने इतने रन बना लिए, आपसे ये दो पारी में नहीं बनेंगे, तेज खेल रहे थे इसलिए विकेट मिल गया। बस कर।